3 सुभद्रा कुमारी चौहान। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शब्द अर्थ, बुंदेलो मीन्स बुंदेलखंड में रहने वाले, हर बोलो मीन्स लोक गायक, मर्दानी मीन्स मर्द जैसी। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 3 से ली गई हैं। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से। और इसको किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में झांसी की रानी की कहानी सुनाने की बात कही गई है। ये जो पंक्तियां हैं इसमें किसकी कहानी सुनाई है? झांसी की रानी की। व्याख्या, कावित्री कहती हैं बुंदेलखंड के हर कोरो संदेशवाहकों चरवाहों आदि से हमने वीर और साहस झांसी की रानी की कहानी सुनी है। वो तो खूब लड़ने वाली थी और युद्ध के मैदान में अपना कौशल का परिचय देती थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ? खंडवा निवासी श्री लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ उनका विवाह हुआ। सुभद्रा कुमारी का पुरस्कृतः कहानी संग्रह कौन सा है? बिखरे मोती नामक कहानी संग्रह इनका पुरस्कृत संग्रह है। सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया? सुभद्रा ने अपनी बेटी का विवाह प्रेमचंद के बेटे अमृत राय से किया था। सुभद्रा की अमर कविता कौन सी है? सुभद्रा की अमर कविता झांसी की रानी है। सुभद्रा अपने अध्यापकों की चहेती क्यों थी? अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और काव्य प्रतिभा से संपन्न होने के कारण सुभद्रा अध्यापकों की चहेती बन गई। सुभद्रा की सबसे प्रिय बालसखी कौन थी और क्यों? बालसखी यानी बचपन की सहेली। सुभद्रा की सबसे प्रिय बालसखी महादेवी वर्मा थी, वो भी कविताएं लिखती थी। कविताओं के लिखने के कारण दोनों आपस में मित्र बन गई और दोनों ही कविताएं लिखती थी इसलिए वो अच्छी दोस्त बन गई। सुभद्रा ने कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया? सुभद्रा ने विदेशी वस्तुओं और बहिष्कार और गांधी जी के असहयोग आंदोलनों में भाग लिया। वह राष्ट्र आंदोलनों भाग लेती रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं की क्या विशेषता थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता घरेलू जीवन से संबंधित होती थी और बच्चों के लिए वह विशेष रूप से लिखती थी। कुछ कविताएं राष्ट्र प्रेम से आते प्रेरित थीं। सही जोड़ बनाइए। सुभद्रा की माता कौन थी? धीरज कुंवर। सुभद्रा की बालसखी महादेवी। सुभद्रा की बेटी सुधा। सुभद्रा के पति लक्ष्मण सिंह।